Hi, good morning. This is Vivek Gupta, MBBS counselor and career counselor. So though, you know, I personally do not believe in this video in the sense ki kai log humko phone karte hain aur sir Delhi ke aas pass generally ye log wo hote hain jo Delhi mein rehte hain aur wo chahte hain ki unka beta bachcha dur na jaye padhne to kaun kaun se colleges hain actually jo Delhi ke aas pass hain private medical colleges aur unme admission procedure kya hai लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी और मैं हमेशा कहता हूँ कट ऑफ हर साल चेंज होती है और लास्ट ईयर फीस स्ट्रक्चर क्या था ओके तो आप लोग एक मोटा मोटी ज्ञान दे देता हूँ और उसके हिसाब से देखिए हिंदुस्तान ऐसा है कि अब हर 50 मोटा मोटा नया कॉलेज आ जाएगा मैं समझाऊंगा धीरे धीरे। तो सबसे पहले अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो एकमात्र प्राइवेट कॉलेज जो दिल्ली के अंदर पड़ता है प्रॉपर दिल्ली के अंदर पड़ता है वो है हमदर्द इंस्टीट्यूट जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है और एज पर दी लास्ट ईयर जैसे कि हम सभी जानते हैं वो 5 साल की फीस ले रहा था तो 80 लाख रुपए फीस थी प्लस हॉस्टल मिला के उस 90 लाख के करीब आपका पैकेज पड़ रहा था। मेरा एक वीडियो भी है इस कॉलेज के बारे में अगर आप इस चैनल पे देखेंगे। ओवरऑल एक बहुत अच्छा शानदार जेन्युइनली तरीके से चलाया गया कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। फिर भी आई नो कि कुछ लोग हैं जो कंसर्न रखते हैं रिगार्डिंग द मुस्लिम कल्चर एंड द मुस्लिम एटमोसफेयर और 556 नंबर ओपन कैटेगरी कट ऑफ थी 480 मुस्लिम माइनॉरिटी क्योंकि यहाँ पर जो सीटें हैं 15% NRI सीटें होती है बिकॉज इसकी काउंसलिंग MCC कराती है तो ये उस 51 यूनिवर्सिटीज के अंदर आता है जहाँ NRI सीटें हैं। तो NRI का कट ऑफ अभी यहाँ नहीं लिखा है। उसके अलावा 556 जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी सीटें थी 480 जो मुस्लिम माइनॉरिटी थी। नंबर टू पे जो हम दिल्ली से सबसे निकट मानते हैं ग्रेटर नोएडा जहाँ पर शारदा यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस है और यही कारण है कि इसकी कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है 498। तो लोकेशन हेल्प्स अ लॉट दिस कॉलेज और 510 515 नंबर वाले बच्चे जो कम बजट में दिल्ली में ही पढ़ना चाहते हैं अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें या लास्ट ईयर हमने एडमिशन कराया था समझ लीजिए सोनीपत का बच्चा वंस अगेन पास में पढ़ना चाहता है तो वो आदेश वर्सेस स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस देते हैं। और देखिए आप मैं वापस समझाता हूँ उत्तर प्रदेश में फीस भी कम है जो आप देख रहे हैं और ये जो कॉलेज है ग्रेटर नोएडा जो यूपी काउंसलिंग से आपको मिलेगा इसमें फीस इंक्रीमेंट नहीं होता है तो 4.5 साल तक आप 12,69,000 ही फीस देंगे प्लस हॉस्टल मेस और मिला मुलू के आपका सारा जो पढ़ाई का खर्चा है वो 70 लाख के अंदर हो जाता है जो सस्ता पड़ता है। इसी तरह NCR में मेरठ में पड़ता है सुभारती मेडिकल कॉलेज। हैरानी की बात है लास्ट ईयर की कट ऑफ क्यों इतनी नीचे गिर गई तो आपको बता दूँ कि लास्ट ईयर बहुत कन्फ्यूजन हो गई थी सुभारती को लेके और ऐसा था कि वो बुद्धिस्ट माइनॉरिटी कॉलेज बन जाएगा मतलब बहुत कन्फ्यूजन है। आप अगर मेरे चैनल में वीडियोस देखोगे हम खुद बहुत परेशान हो गए थे। सुभारती ने अपने वेबसाइट तक पे डाल दिया था कि दे हैव कन्वर्टेड देमसेल्फ इनटू बुद्धिस्ट माइनॉरिटी लेकिन जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने उनको अप्रूव नहीं करा। उन्होंने लेटर डाला अपनी वेबसाइट पे NMC को लेके उन्होंने साबित लिखा कि भाई बुद्धिस्ट माइनॉरिटी बनते ही वो अपनी फीस 16 लाख रुपए साल की कर देंगे और चूंकि फीस अब उसका भी पैकेज 1 करोड़ पड़ रहा था तो फिर जैसा मैंने आपको कई बार बताया कि हर एक इंसान सिर्फ टॉप कॉलेज नहीं देखता वो बजट भी देखता है तो फिर लोगों को लगा कि नहीं इतना महंगा हम फीस क्यों दें सुभारती के लिए 1 करोड़। तो कई जो 500 नंबर वाले बच्चे थे 480 वाले उन्होंने सुभारती को नहीं भरा चॉइस में और इसलिए सुभारती कट ऑफ नीचे चली क्योंकि कुछ वही 370-380 नंबर वाले बच्चे थे अगेन आई रिपीट जो दिल्ली के आसपास पढ़ना चाहते हैं मेरे पास भी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं तो उनको सुभारती मिल गया था इसलिए सुभारती कट ऑफ नीचे थी। अमृता वी ऑल नो वॉज रॉक स्टार इन ईयर वन पहले साल ही लॉन्च हुआ और मिनिमम जो नंबर पे कॉलेज मिला था वो 421 पे फर्स्ट राउंड में। ये वो कॉलेज था जिसका लगातार कट ऑफ ऊपर जाता ही चला गया। थर्ड राउंड में एक बार नीचे आ गया था जब NRI सीट कन्वर्ट हुई लेकिन सेकेंड राउंड फर्स्ट राउंड से भी ऊपर चला गया था क्योंकि वंस अगेन दिल्ली का कॉलेज और पहले राउंड में फिर लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन थी कि भाई कॉलेज चलेगा नहीं चलेगा और मैं लोगों को समझाता था कि अब नाम देखिए न्यू कॉलेज है लेकिन न्यू कॉलेज चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज है या अमृता है या मणिपाल है इस चीज़ का फ़र्क समझिए। और 19 लाख रुपये पहले साल की सीधा उन्होंने फीस रखी थी और 5 साल का स्ट्रक्चर था एक्चुअली 19 के हिसाब से क्योंकि 21.5 एक्चुअली फीस थी और ये भी जो पैकेज था ये 1.05 करोड़ पड़ रहा था। अमृता स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस फरीदाबाद भी आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के तहत MCC काउंसलिंग में मिलता है जो ऑल इंडिया कोटा MCC काउंसलिंग करती है। शारदा और सुभारती दोनों यूपी काउंसलिंग के थ्रू मिला। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज जो मुजफ्फरनगर में पड़ता है मेरठ से और 50 किलोमीटर आगे 424 कट ऑफ वंस अगेन द रीज़न इज
डिसेंट फी स्ट्रक्चर। देखिए फर्क समझिए आप इसमें और लेट से जो अभी नीचे हरियाणा के एनसीआर को नंबर 15 पे दिख रहा होगा, हरियाणा में अगर 12 लाख की फीस थी तो साथ में हर साल 7.5% का इंक्रीमेंट है। नौ इसका मतलब ये होता है कि 12 लाख पे 7.5% 1 लाख हुआ, लेकिन अगले साल फिर 13 लाख पे 7.5% पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके हरियाणा के जितने कॉलेज थे एनसी आदेश और झज्जर, इनका पैकेज आपको 80+ पड़ रहा था, 85 के आसपास, जबकि यूपी के सारे कॉलेज 70 के अंडर थे। तो फीस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली अगर आप भाई दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और आप दिल्ली एनसीआर में ही पढ़ना चाहते हैं। और इसी 424 नंबर में आपको हिंदुस्तान के शानदार कॉलेज मिल सकते हैं अगर आप 1+ खर्च करने को तैयार हो, और बल्कि 1+ भी ना खर्च करना हो, 90 भी खर्च करना हो तो हमें जेएलएन बेलागावी टाइप का कॉलेज मिल सकता था, 1 CR खर्च करे तो जीएसएस मैसूर मिल सकता था। पर जैसा कि मैंने कहा कि लोगों की चॉइस कभी कभार लोकेशन और डिस्टेंस फ्रॉम होम भी होती है, जिसको खैर मैं बिलीव नहीं करता। सरस्वती हापुड़ 388 पे कट ऑफ था इसलिए क्योंकि उसकी गिनती मुजफ्फरनगर और रोहिलाखंड से नीचे होती है इन टर्म्स ऑफ यूपी, और सुभारती के ऊपर सिर्फ इसे चला गया था जो मैंने कहा कन्फ्यूजन थी। इस साल सुभारती कन्फ्यूजन अगर नहीं आई सो डेफिनेटली सुभारती फिर से 450 क्रॉस कर जाएगा। तो लास्ट यदि कट ऑफ को देख के सुभारती की उम्मीद मत लगाइएगा। केडी मथुरा मेरी लिस्ट में भी हमेशा यूपी की अच्छा कॉलेज होता है, सरस्वती हापुड़ से हमेशा मैं उसको ऊपर मानता हूँ, तो कट ऑफ भी थोड़ी सी उसी ऊपर थी। फीस स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट 3 साल पहले आया है, बिल्कुल पेशेंट फ्लो जीरो है, मेरी नज़रों में एवरेज कॉलेज है, लेकिन कट ऑफ इतनी हाई जस्ट बिकॉज ऑफ लोकेशन, क्योंकि वही जो दिल्ली के बच्चे जो दिल्ली एनसीआर में पढ़ना चाहते हैं, इस कॉलेज को अगर लोकेशन का एडवांटेज है कि प्रॉपर ग्रेटर नोएडा में है और आप बहुत जल्दी नोएडा के मार्केट में पहुंच जाते हो। एमएम इंस्टीट्यूट अम्बाला बहुत शानदार डीम यूनिवर्सिटीज़ है, एमसीजी में इसकी काउंसलिंग होगी, और अभी तक तो बाकी सारे यूपी वाले आ रहे थे, 320 इसका कट ऑफ गिरा था, 17 लाख इसमें फीस है, बट ये वो है जिसमें हर साल इंक्रीमेंट होता है 5-10% का। तो एमएम अम्बाला का भी जो टोटल पैकेज है वो 1.1 करोड़ के आसपास पड़ता है, ध्यान रखेंगे। रामा हापुड़ इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होता यूपी में, सरस्वती हापुड़ के बगल में बिल्कुल, तो पीपल प्रिफर सरस्वती ओवर रामा, एंड सेकेंडली इसका थोड़ा फी स्ट्रक्चर हाई था विजावी सरस्वती, तो लोगों ने रामा की को ऑप्शन में नीचे भरा था। जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ वंस अगेन तीनों कॉलेज बिल्कुल बगल में है, सरस्वती रामा और जीएस, इन तीनों में सरस्वती सबसे अच्छा माना जाता है, पढ़ाई के हिसाब से रामा जीएस से बेटर है, बट लोग फी स्ट्रक्चर को भी देखते हैं और इस वजह से जीएस की कट ऑफ रामा से थोड़ी ऊपर चली गई थी। ये सब यूपी के कॉलेज है, कोई इयरली इंक्रीमेंट नहीं होता। एसजीटी गुड़गांव जो कि हरियाणा काउंसलिंग से आपको मिलेगा, इसमें एनआरआई सीटें भी हैं 15%, उसकी कट ऑफ अलग थी, 19,50,000 फीस हो गई, 1.5 लाख पर ईयर फीस बढ़ गई, जिसकी वजह से इसका पैकेज भी 1 CR क्रॉस कर गया और इसलिए कट ऑफ इसकी नीचे होती है। सो देखिए अगर आपको क्वालिटी कंपेयर करना है विद एसजीटी जीएस रामा, डेफिनेटली एसजीटी इज बेटर देन ऑल ऑफ देम, लेकिन फिर भी कट ऑफ नीचे क्यों जाती है? बिकॉज ऑफ फी स्ट्रक्चर। और मैं बार बार आपको भी समझाता हूँ कि हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी नहीं देखता, फीस भी देखता है। अलफला मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कॉलेज है और फिर भी 228 पे मिल गया, और मैं कहूँगा कि मेरे ही भेजे काफ़ी क्लब बच्चे वहाँ गए और सबकी बहुत पॉजिटिव फीडबैक रही। इसकी फीस स्ट्रक्चर आपको 14,25,000 इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई इयरली इंक्रीमेंट नहीं होता, पर इसमें हॉस्टल और मेस अलग है, तो आप 14-25 × 4.5 करेंगे प्लस हॉस्टल मेस, तो इसका भी पैकेज 85 के करीब ही जाएगा। तो हरियाणा में अगर 6 स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस हैं टोटल, तो अलफला आदेश एनसी और झज्जर चारों का पैकेज आपको 85 पड़ेगा, साधोपुर और एसजीटी का आपको 1 CR पड़ेगा, और एमएमयू मुलाना 1.05। ये 7 कॉलेज हैं फिलहाल जो हरियाणा स्टेट के अंदर आते हैं, जिसमें मुलाना वाले की काउंसलिंग एमसीसी कराता है और बाकी की काउंसलिंग हरियाणा स्टेट कराता है। आई किया देखिए हमने बात किया एनसीआर मेरठ, ऐसे कॉलेज की भी कट ऑफ 285 गई, मेरे हिसाब से ये वो कॉलेज है जिसको मैं घटिया की श्रेणी में गिनता हूँ, और फिर भी बच्चे जाते हैं, सीटें भरती हैं, यही जलवा है अगर आप एक एज ए बिजनेसमैन एमबीबीएस कॉलेज चला रहे हैं। यूपी के 3 कॉलेज एनसी ये नेशनल कैपिटल मेरठ, वेंकटेश्वर अमरोहा और सरस्वती उन्नाव मेरे हिसाब से जाने लायक भी नहीं है, और उस कॉलेज में पढ़ के क्या होगा आपका और कैसे आप नेक्स्ट क्लियर करोगे भगवान जाने। एनसी पानीपत हरियाणा का कॉलेज 240 कट ऑफ थी, जैसा मैंने कहा 12 फीस है बट इंक्रीमेंट हर साल लगेगा, और इसकी वजह से ही लोग इसको छोड़ के एनसीआर मेरठ में गए। आप देखिए कृष्णा मोहन मथुरा 256, और यहाँ पर लोग वही जो मैंने बोला गलती करते हैं कि
कि लोगों को लगता है कि एनसीआर कॉलेज मेरठ में था, दिल्ली के पास था, और कृष्णा मोहन तो दूर पड़ेगा। एसकेएस मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आता है, पहला साल था 2023 में, इसलिए कट ऑफ नीचे थी, और ये लोएस्ट कट ऑफ का कॉलेज था उत्तर प्रदेश में, और 12,14,000 फीस। फिर से वही नो ईयरली एग्रीमेंट, तो फीस की वजह से लोग इसको लेते हैं। वेंकटेश्वरा अमरोहा की सोचिए आप, कट ऑफ एसकेएस से ऊपर थी, अगेन बिकॉज ऑफ द लोकेशन एंड एजेंट्स। फीस कम थी इसी, 11 लाख, तो लोगों को सस्ता पड़ता है। जैसे मैंने कहा, लोग इसको भी फीस को हमेशा देखते हैं। एफएच मेडिकल कॉलेज, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज उत्तर प्रदेश में, फिर से ये घटिया की श्रेणी में आता है। पर हम उत्तर प्रदेश के घटिया कॉलेज गिने, जैसा मैंने बोला, तो मेरी नज़रों में वेंकटेश्वर अमरोहा, सरस्वती उन्नाव, नेशनल कैपिटल रीजन मेरठ और एफएच मेडिकल, ये चार होंगे जो बिल्कुल घटिया में मैं गिनूंगा। इन्हें मैं बिलो एवरेज भी नहीं, घटिया में गिनूंगा। और इसी श्रेणी में आता है वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर, तभी 217 कट ऑफ थी, थोड़ी कम फीस है। तो ये पांच कॉलेज मेरे हिसाब से आप बहुत सोच समझ के जाइए कि पता नहीं इन जगह पढ़ के आपका नेक्स्ट क्लियर होगा कि नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सारे भी अच्छे हैं। इस लिस्ट में शानदार कॉलेज हमदर्द, अमृता फरीदाबाद, एम एम मौलाना, जो शानदार हो गए, ये तीन हो गए जो शानदार हो गए। शानदार से ज़रा सी नीचे हम शारदा को गिन सकते हैं। उसके बाद जो अच्छे में गिने जाएंगे, सुभारती, मुजफ्फरनगर मेडिकल, इनको हम बहुत अच्छे में गिन सकते हैं। अच्छा में हम गिन सकते हैं एसजीटी को, हम ले सकते हैं सरस्वती हापुड़ को, हम ले सकते हैं अल्फला को, हम ले सकते हैं केडी मथुरा को, और उसके बाद काम चलाऊ भी है, जिसे हम ले सकते हैं कृष्णा मोहन को, रामा जीएस को। जैसा मैंने कहा, कृष्णा मोहन, एनसी को, और फिर जो बाकी बच्चे, वो मेरे हिसाब से नहीं लेने वाली सिचुएशन में आएंगे। ओके, तो ये इस 20 के अलावा देखिए, जैसे जैसे अब और थोड़ा सा और दूर जाएंगे, दिल्ली से हरियाणा की तरफ, तो आदेश पहुंच जाएंगे आप, कुरुक्षेत्रा में, जो कि पानीपत से और 1.5 घंटा दूर है, मतलब एक्चुअली वो अम्बाला में पड़ता है। दैट इज सपोज टू बी हरियाणा बेस्ट कॉलेज इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज ऑफ फी स्ट्रक्चर ऑल्सो। मुलाना के अलावा हम अमरोहा से आगे जाएंगे तो मुरादाबाद का शानदार तीर्थंकर महावीर आ जाएगा, और फिर बरेली का सुपर शानदार श्रीराम मूर्ति, और अच्छा रोहिला खंड आ जाएगा। साउथ में जाएंगे, गुड़गांव एसजीटी क्रॉस करेंगे तो जयपुर टच हो जाएगा, तो निम्स आ जाएगा, मेन जयपुर में एमजीएम जेएनयू आ जाएगा, और उदयपुर तो खैर बहुत दूर है, गंगानगर बहुत दूर है, पंजाब बहुत दूर है, कहने को देहरादून की तरफ चलेंगे अगर हम देहरादून को भी एनसीआर गिन लें, तो उसमें सुपर शानदार जॉली ग्रांट और श्री गुरु रामराय आ जाएंगे। ओके, सो इस तरह से है, मैं हमेशा कहता हूँ हमें ये देखना होता है कि हमें कौन सा कॉलेज लेना है, स्पेशली आने वाले नेक्स्ट के ज़माने में। आपको पता ही है हेवरी कौन, तो इस लिस्ट में हमने देखा, तो हमें हरियाणा फॉर्म अलग भरना है, यूपी फॉर्म अलग भरना है, और डीम यूनिवर्सिटी एमसीसी फॉर्म अलग भरना है। इसमें बाई चांस हिमाचल वाला कॉलेज नहीं था, राजस्थान के नहीं थे, उत्तराखंड के नहीं थे, नहीं तो वो फॉर्म भी अलग भरा जाता है। इस सारे गुत्थियों से आपको निकालना है कि कौन सा भरना है, कौन सा नहीं भरना है, किस स्टेट में किस कॉलेज में जाना है, किस कॉलेज में नहीं जाना है। हमें तो अच्छे में जाना है, तो हरियाणा का अच्छा, यूपी का अच्छा हमें देखना है, नहीं ये नहीं कि हम यूपी में कुछ भी ले लेंगे, राइट। जैसे मैंने आपको लिस्ट दिखाई है कि जिसको भी वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट मिल रहा था, उसको एनसीआर मिल सकता था ना, एनसी पानीपत, तो फिर एनसी पानीपत में जाना चाहिए था ना, चाहे आपके 10 लाख फालतू खर्च होते, कम से कम उससे तो बहुत अच्छा है। ये सब जानकारियाँ देखना लेना बहुत ज़रूरी है, यही मेरा काम है, यही मैं आपकी मदद करता हूँ अच्छे कॉलेज में पहुँचना। नंबर आप जानते ही हैं, 9643362320, यही नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है। हमारी काउंसलिंग के पैकेजेस चार होते हैं, 30,000 जो कि हम जिस बच्चे गवर्नमेंट सीट आने वाली है, या जो बच्चा एक ही स्टेट की में जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो यूपी में वेंकटेश्वरा में जाने को तैयार है, जिसके अच्छे भले 270 नंबर थे, लेकिन वो अलफला नहीं जाएगा, या वो राजस्थान के अच्छे कॉलेज में नहीं जाएगा, या साउथ में अच्छे कॉलेज में नहीं जाएगा, क्योंकि उसे दिमाग में बैठा हुआ है कि यूपी में ही पढ़ना है, कोई बात नहीं जी। तो उससे हम 30,000 रुपये लेके उसी काउंसलिंग में हेल्प करते हैं, 50,000 रुपये अगर 2 से 3 स्टेट है, 75,000 रुपये अगर 6 से 7 स्टेट्स हो जाते हैं, 1.5 लाख रुपये अगर आपको एनआरआई सीट या मैनेजमेंट कोटा सीट में हमारी हेल्प चाहिए, तो ये हमारा काम उसमें बढ़ जाता है। ओके, एज ऑफ नाउ जो भी हमसे संपर्क ले रहा है, सबसे हमने खाली 30,000 रुपये लिए हैं, और मार्क्स के हिसाब से देखेंगे,
और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जिनको अभी से पता है कि हमारे गवर्नमेंट के मार्क्स नहीं आने हैं, और ऑलरेडी उन्होंने NRI सीट या मैनेजमेंट कोटा सीट के लिए कोऑर्डिनेशन शुरू करवा दी है, तो उन्होंने हमको 1.5 लाख का पैकेज भी हमसे ले लिया है। हमसे बात करने के लिए अगेन मैंने सबको आपको समझाता हूँ कि वी डू नॉट टॉक फ्री ऑल्सो। सो 2,500 रुपये अगर आपको फ़ोन काउंसलिंग चाहिए, 5,000 रुपये अगर आप आके मुझसे मिलना चाहते हैं, और ये दोनों चार्जेस जो आप फाइनल पैकेज लेते हैं उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। आज 11 अप्रैल है और 1 मंथ से कम का समय बचा है, और जैसा मैंने आपको बार बार समझाता हूँ, जो 1.5 लाख वाला पैकेज है या जो मैनेजमेंट कोटा NRI सीट है, उनकी बुकिंग्स ऑलरेडी चल रही होती हैं, और ये भी हो सकता है कि नीट का स्कोर आने तक वो सब सीटें खत्म हो जाएं, फिर आपको वही लेना पड़े जो आपको काउंसलिंग से मिलेगी। तो मैं हमेशा समझाता हूँ कि अब 11 अप्रैल तक बच्चों को पता होता है, इतने सारे प्रैक्टिस टेस्ट देखे कि आप एवरेज के स्कोर पे आ रहे हो। तो अगर आपको टॉप कॉलेज चाहिए और आपको पता है कि आपके 250 नंबर पार नहीं हो रहे हैं, सो इम्पॉर्टेंट है कि अभी से आप हम मिलके मैनेजमेंट सीट की तरफ कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दें, या NRI स्पॉन्सर सीट की तरफ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।